नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडीएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरके रोशन। खबरों का सफर शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। भारत चीन के जवानों के बीच मुठभेड़ के बाद जवानों की शहादत पर बिहार में राजनीति हुई तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रदेश के जिलों में जाकर कार्यक्रम करने के मामले पर एक बार फिर गरमाई सियासत। विपक्ष ने कहा तेजस्वी यादव के दबाव में मुख्यमंत्री आए बैकफुट। बिहार सरकार पर विपक्ष का बड़ा हमला, कहा पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर चोर दरवाजे से नीतीश कुमार ने बनाई सरकार, इस बार डबल इंजन के सरकार को उखाड़ फेंकने का जनता ने किया है। बिहार में मानसून की स्थिति के बाद मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में तेज बारिश होने के आसार। अब खबरें विस्तार से। इंडो चाइना बॉर्डर गैलवन वैली में हुए मुठभेड़ में झारखंड के घाटशिला के भी एक लाल के शहीद होने की खबर है। शहीद जवान का नाम गणेश हांसदा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक घाटशिला के बहरा घोड़ा के चिंगरा पंचायत के बांसदा गांव निवासी जवान गणेश हांसदा देर रात हुई मुठभेड़ में शहीद हुए। इधर बिहार के भी एक जवान की शहादत की खबर के बाद पूरा राज्य और देश मर्माहत है। बारह में नौकरी भला है और न से मैलावते से फोन ले कर्नल साहब के से बेटा तोहर कहाँ बटाला में है, तो हम बोला से नहीं, हम नहीं जानते हैं कौन बटाला मुरुक है। और न से आपका बेटा गाँव का आरन का है, आरन के है, से न आप शहीद हो गए। क्या बोला? शहीद हो गए। LAC पर सोमवार रात हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। वहीं इस घटना में चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद बिहार की भी सियासत गर्म हो गई है। अब तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि चीन के इस झड़प में हमारे देश के 20 जवानों की शहादत वाली खबर हर भारतीयों के दिल पर गहरी चोट का काम कर रही है। 56 इंच वाले का पता नहीं। भारत चीन सैनिक झड़प मामले में देश के 20 जवानों के शहीद होने के बाद पूरा देश मर्माहत है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता रविंद्र मिश्रा ने कहा है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें बिहार के जवान भी शामिल है। इस मामले में पूरा देश एकजुट है और इस घटना के बाद पूरा देश मर्माहत है। उन्होंने कहा है कि चीन की चाल को सभी जानते हैं, लेकिन देश के पीएम नरेंद्र मोदी इसका आकलन नहीं कर सके। इस घटना से देश को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं, यह समाचार सुनकर काफी मर्माहत हूं। विशेषकर बिहार रेजिमेंट के पदाधिकारी और सारण जिले के एक सिपाही की हत्या से काफ़ी दुख पहुंचा है। संकट की इस घड़ी में तमाम देश एकजुट खड़ा है और कहीं से भी किसी प्रकार का छू चपड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात का अफसोस है कि चीन के चाल चरित्र को पूरा दुनिया जानती है और ऐसे समय में भी भारत का चौकीदार जो 56 इंच का सीना लेकर घूमता है, सही आकलन नहीं कर सका और इसे देश को काफी नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। जय हिंद। इस मामले में कांग्रेस के बयान के बाद तड़के जदयू की तरफ से भी बयान सामने आया। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि हमने देश के साथ बिहार के जवान भी खोए हैं, जिसका हमें काफी दुख है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू केंद्र सरकार के हर फैसले के साथ खड़ी है। पीएम के नेतृत्व में पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है और चीन को भी सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष बेकार की बयानबाजी कर रहा है। इस घटना ने चीन के इरादों को पूरी तरह से साफ कर दिया है और चूंकि बिहार के भी एक जवान की शहादत हुई है, बिहार इस क्षण में कहीं ना कहीं आहत भी है, मर्माहत भी है। वैसे देश में कोई भी
राष्ट्रीय सुरक्षा या संप्रभुता से जुड़ा सवाल खड़ा होगा। तो पूरा देश एकजुट होता है और केंद्र सरकार कोई भी फैसला करेगी, जनता दल यूनाइटेड उनके साथ इस सवाल पर बराबर साथ रही है और आगे भी रहेगी। लेकिन कुछ नासमझी के साथ विपक्ष के जो कुछ सवाल हैं वो केवल एनडीए की सरकार पर सवाल दागने के सिवाय कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वो बालाकोट की जवाबी कार्रवाई हो या बाद के दिनों में भी जिस तरह से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम ने पाकिस्तान के हौसले दुरुस्त किए हैं, विपक्ष को यकीन रखना चाहिए कि भारत चीन के सवाल पर भी कोई नरमी नहीं दिखाएगा और जहां जो आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता होगी वो भारत की ओर से जरूर पूरा किया जाएगा। भारत चीन सैनिक झड़प मामले में शहीद जवानों के प्रति सभी की आंखें नम है, तो ही इस मामले पर बिहार की राजनीति तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि देश के जवान शहीद हुए हैं, जिसका हमें दुख और अफसोस है। उन्होंने कहा है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन सवाल केंद्र सरकार की नीतियों पर खड़ा होता है कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आई। भारत चीन जवान झड़प मामले में बिहार में हो रही लगातार राजनीतिक बयानबाजी के बीच बीजेपी ने भी अपनी बातों को रखा है। बीजेपी ने राजनीतिक बयानबाजी से हटकर ऐसे मामलों से निपटने के लिए देश को सक्षम बताया है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि जवानों की शहादत को श्रद्धांजलि है और यह वक्त राजनीतिक टीका टिप्पणी करने का नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार और देशवासी देश विरोधी गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, लेकिन हमें अभी चीन के सामने के बहिष्कार का भी संकल्प लेना चाहिए। कल जिस तरह से भारत और चीन के सैनिकों के बीच एलएसी पर झड़प हुई, उसमें हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए, उसमें से हमारे बिहार के भी सपूत जवान थे जो शहीद हुए हैं। हम उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन जवानों के प्रति। उनका ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगा, यह देश बदला लेकर रहेगा अपने दुश्मनों से। लेकिन एक सवाल खड़े होते हैं केंद्र सरकार पर कि आखिर ये नौबत क्यों आई। सरकार की कहीं ना कहीं इसमें नाकामी है, और जो लोग 56 इंच सीने की बात करते थे और जो विदेश दौरे को लेकर के अपनी उपलब्धि बताते थे, तो आज आखिर ये विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति, हर मोर्चे पर ये सरकार की नाकामी उजागर हो रही है। लेकिन यह देश और हमारे जवान अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए हर समय तैयार हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना,
जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जिलों में जाकर कार्यक्रम करने की बात ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का काम किया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि तेजस्वी यादव के दबाव का ही नतीजा है कि पिछले 90 दिनों से ज्यादा तक घर से बाहर नहीं निकलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले में जाकर कार्यक्रम करने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा है कि लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था, जिसका यह परिणाम सामने आया है कि न केवल नीतीश कुमार जिले में जाकर कार्यक्रम करने की बात कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी श्रमिकों और छात्रों को लॉकडाउन के दौरान बाहर से लाने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कल निर्णय लिया है कि जो भी कार्यक्रम होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो जिलों में जाकर होंगे। इसका मतलब है नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी के दबाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को अब बाहर निकलने का निर्णय लेना पड़ा। बार बार हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल कर रहे थे, आप बाहर निकलिए, जनता के बीच में जाइए, उनके दुख दर्द को सुनिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 90 दिनों से ज़्यादा हो गए थे, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाहर निकलकर जनता के बीच में उनके दुख दर्द को नहीं देखा था, सिर्फ डिजिटल और वर्चुअल बातें कर रहे थे, एक्चुअल स्थिति की जानकारी उन्हें नहीं मिल पा रही थी। नेता विरोधी दल के दबाव के कारण ही, श्री तेजस्वी यादव जी के दबाव के कारण ही जो गरीब मजदूरों को घर वापस लाने का मार्ग प्रशस्त किया गया था, ये असर था। जो छात्र आए थे बाहर से, जो फंसे हुए थे, उनको भी बिहार घर वापस आने में नेता विरोधी दल के दबाव का ही असर दिखा था। बिहार प्रदेश के जिलों में जाकर मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम करने के मामले को लेकर राजद के बाद कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रविंद्र मिश्रा ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान घर के अंदर से योजनाओं को संचालित करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश के जिलों में जाकर कार्यक्रम करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान लोगों को परेशानियां हुई हैं और हजारों किलोमीटर लोग पैदल चलकर पहुंचे हैं, वैसे लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत के लिए तैयार हैं। अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश के जिलों में जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने बिहार और बिहार के लोगों के लिए क्या किया है। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर पोस्टर बार के जरिए बार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। इस बार जदयू समर्थकों ने लालू तेजस्वी पर नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर के जरिए एक बार फिर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर वार किया गया है। बताया जाता है कि तेजस्वी यादव के पोस्टर के जवाब में जदयू समर्थकों ने यह पोस्टर जारी कर जवाबी पलटवार किया है। पोस्टर में तेजस्वी को ट्रॉली बैग और लालटेन लिए दिखाया गया, जबकि पोस्टर में लालू प्रसाद यादव को बताया भ्रष्टाचार का राजा। पोस्टर बताया गया है कि लालू प्रसाद 27 साल 6 माह के न्यायिक प्रवास पर है। वहीं पोस्टर में तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार का राजकुमार बताया गया है। पोस्टर में 50 दिन बिहार से बाहर अज्ञातवास पर रहने का जिक्र किया गया है। स्लोगन के जरिए भी तीखा हमला करते हुए लिखा गया है कि जानता है सारा बिहार, संपत्ति अर्जन में मत है पूरा परिवार। विगत कई महीनों से, विशेषकर कोरोना काल में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सारी योजनाओं का और कार्यक्रमों का संचालन अपने निवास स्थान पर पटना से किया करते थे। अभी सुने में ज्ञात हुआ है कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश के इलाकों में निकलेंगे। ऐसे तो बराबर कई यात्राओं के माध्यम से निकला किया करते थे, लेकिन इस बार बिहार की जनता, विशेषकर
जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं, पैदल चलकर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर भूखो रहकर वे बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, निकलिए, वे लोग आपके स्वागत की तैयारी में खड़े हैं। आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि आपने कितने सही तरीके से बिहार को और इस महामारी को संचालित किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को पटना के एम्स में भर्ती किया गया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया की शिकायत के बाद रघुवंश प्रसाद को एम्स में भर्ती कराया गया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को एम्स में आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना के संदेह में उनका सैंपल लिया है। जानकारी के मुताबिक आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को सुबह सांस लेने में दिक्कत और बुखार आने के बाद एम्स में जांच करवाने गए थे। शुरू में डॉक्टरों ने उन्हें निमोनिया का शिकार समझा, लेकिन बाद में लक्षणों के आधार पर कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने का निर्णय लिया गया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना से लेकर मुंबई तक लोग सदमे में हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसक अभी तक सदमे से उबर नहीं पाए हैं। पटना से लेकर मुंबई तक तमाम लोग इस बात की हैरानी है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों आत्महत्या किया। वहीं आज पटना के कारगिल चौक पर पटना के युवा कई कलाकार और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी थी। साथ ही कैंडल जला। इस मौके पर ईसा यादव ने कहा है कि साजिश के तहत ये पूरी घटना हुई है। हम सरकार से मांग करते हैं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि बिहार का बेटा जिस प्रकार से मुंबई जाकर संघर्ष किया और नाम कमाया और कई ढेर सारी फिल्में हिट दी, या कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के कई ऐसे लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी फिल्में छीन ली, और हम सरकार से मांग करते हैं कि मामले की CBI जांच की जाए। कि बिहार सरकार और पूरा देश के युवा इस पर CBI जांच की मांग करें, ताकि जो भी उभरता हुआ कलाकार, ये आज सुशांत सिंह का मामला नहीं रहा, ये पूरे उस स्ट्रगल का मामला हो चुका है जो हर युवा हर क्षेत्र में स्ट्रगल करते थे, उनसे वो प्रेरणा लेते थे। आज इस मुकाम पे आकर उन्होंने इस इतनी बड़ी घटना की है। ये एक मर्डर है, प्लान मर्डर है। उनके तीन दोस्तों ने आत्महत्या की, ये कड़ी कहीं ना कहीं इशारा करती है CBI जांच की मांग। बिल्कुल। बिहार में मानसून की एंट्री के बाद मौसम विभाग ने आज चेतावनी जारी की है। दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरे बिहार में एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही उत्तर बिहार में बुधवार को झमाझम बारिश होगी।
पटना मौसम विभाग के मुताबिक आजकल मानसून के एक्टिव होने की वजह से प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले दो दिनों तक अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि बारिश के साथ बिजली भी कड़क सकती है। जानकारी के मुताबिक 18 जून से दक्षिण बिहार में अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 11 साल बाद मानसून ने अपने टाइम पर बिहार में एंट्री की है। वहीं मंगलवार को अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पटना मौसम विभाग ने आज यानी बुधवार को अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अवधि बढ़ा दी है। कोरोना संकट के बीच सबसे ज्यादा मुसीबत झेल रहे गरीब तबके के लोगों को राशन कार्ड के जरिए सस्ता गेहूं, चावल और दाल बांटा जा रहा है। वहीं सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम भी शुरू कर दी है। इस योजना के जरिए एक ही राशन कार्ड पर देश में कहीं भी जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन लिया जा सकता है। बता दें कि राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। हालांकि इसके बाद राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने पर लाभार्थी पीडीएस से सस्ता राशन नहीं ले पाएंगे। सीतामढ़ी जिला में अपराधी बेखौफ होकर पौस इलाके में भी आपराधिक घटना को अंजाम दे रही है, जिससे पुलिस सवाल के घेरे में है। डुमरा थाना क्षेत्र के संतोषी मंदिर के करीब एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर घर के नजदीक सड़क पर जा रहे हैं। अधिवक्ता को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे अधिवक्ता मनीषा जख्मी हो गए। उनके हाथ में गोली लगी है। गोली लगने के बाद अपराधी वहां से भागने में सफल रहे। स्थानीय लोगों ने अधिवक्ता को इलाज के लिए शहर के निजी नर्सिंग होम डॉक्टर वरुण कुमार के यहां भर्ती कराया है, जहां अधिवक्ता मनीषा की हालत नाजुक है। हॉस्पिटल पहुंचे सीतामढ़ी पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने अधिवक्ता से घटना की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। 5:30 से 6 के बीच में टहलने के लिए निकले थे, पीछे से कोई बाइक पर सवार दो आदमी आया था, इनके बाएं कंधे पे गोली मार दी। शाम की घटना है, जैसा कि बता रहे हैं कि दो व्यक्ति पीछे की तरफ से आए और ये बाजार जा रहे थे, उसमें इनके ऊपर में फायर कर दिया चल गया, जिसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं, जिसमें जल्दी ही अपराधी की पहचान करके उसको गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में बीती शाम को हुए मानसून की पहली बारिश ने सड़क को नरक बना दिया। हर तरफ जल जमाव से आने जाने को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बुरा हाल मिठनपुरा के क्लब रोड का है, जहां पहले से भी सड़क खराब है। बारिश के कारण जल जमाव हो गया है। जल जमाव के कारण सुबह से कितने लोग दुर्घटना के शिकार हो गए हैं, वहीं एक ऑटो भी पलट गया। ऑटो में सवार एक यात्री के हाथ भी टूट गए। इसी सब कारणों से आक्रोशित स्थानीय एवं राजद के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के साथ नगर आवास विकास मंत्री सुरेश शर्मा की तस्वीर जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिलावासियों का दुर्भाग्य है कि शहर के विधायक राज्य के नगर विकास आवास मंत्री है। आज तक न इस शहर को अच्छी सड़क मिली और न ही जल जमाव से आमजनों को मुक्ति मिली है। इनकी योजना कागजों पर ही होती है। बारिश के समय आम जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हब एरिया है, यहाँ पर स्टूडेंट लोग पढ़ने आते और जाते हैं, यहाँ पर पानी लगा हुआ है। ये नीतीश सरकार डप्पू संखी सरकार है, यहाँ के जो मंत्री हैं डप्पू संखी हैं, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। गरीब कैसे रहेंगे, किस हाल में जिएंगे, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ सरकार में रहना, सत्ता में जाना, चुनाव में आना, चुनाव में जीत के चल जाना, यही उनका मकसद है। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ये बताना चाहते हैं कि ये लोग कोई काम के नहीं हैं। अब इनको बदले बिना ये पानी, ये रोड कोई ठीक नहीं हो सकता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SDF न्यूज। नमस्कार।